वेलकम टू रेडिसन रूट्स ऑनलाइन क्लासेस बाय रेडिसन द स्कूल जीवर। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंतरिक्षा, आई एम क्लास टीचर ऑफ UKGC। सो स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में आपको सबसे पहले डेट एंड CW मेंशन करना है। सर्कल द वॉवल्स एंड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स। आपको सबसे पहले क्या करना है, स्मॉल लेटर में कर्सिव राइटिंग में आपको A to Z लिखना है, ठीक है। और आज आप क्या सीखेंगे, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट होते क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, इंग्लिश में जब आप ABCD लिखेंगे, A से Z तक लिखेंगे, और जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो 26 होते हैं, ठीक है। जिसमें 5 तो आपके वॉवल्स होंगे और जो बाकी बचेंगे 21 वो होंगे आपके कॉन्सोनेंट्स। तो आपको करना क्या है, जो भी वॉवल्स हैं उन्हें सर्कल करना है। तो मैम आपको बताती हूँ वॉवल्स होते क्या हैं, ठीक है। A, E, I, O, U। इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं, कौन कौन से, A, E, I, O, U, ठीक है। जिन्हें आपको क्या करना है, वॉवल्स को सर्कल करना है। बाकी जो बचे वो क्या बचे, आपके कॉन्सोनेंट, वो कितने होते हैं, 21। उन्हें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन देखिए, इसमें वॉवल क्या है, ए। मैम ने अभी बताया ना, ए वॉवल है, तो ए को आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वॉवल क्या है आपका, ई। ई को सर्कल करेंगे। एंड नेक्स्ट वॉवल आई। आई को सर्कल करेंगे। एंड नेक्स्ट वॉवल क्या है आपका, यू। A, E, I, O एंड नेक्स्ट यू, ठीक है। कितने वॉवल्स हो गए आपके, 1, 2, 3, 4, 5। 5 वॉवल्स को आपने सर्कल कर दिया। अब आपको अंडरलाइन करना है कॉन्सोनेंट, और जो बाकी अल्फाबेट बचे हैं वो सब क्या है, कॉन्सोनेंट है, उन्हें आप अंडरलाइन करेंगे इस तरह से, B, C, D, F, G, H। इस तरह से आपको वॉवल्स को सर्कल करना है और कॉन्सोनेंट को अंडरलाइन करना है। योर नेक्स्ट वर्क इज, नेक्स्ट वर्क पे आपको फिर से डेट एंड CW मेंशन करना है। इसमें आपको क्या करना है, WRITING राइटिंग। यहाँ पर मैम ने आपको राइटिंग करने के लिए दिया है, क्या लिखा है, RAT रैट, CAT कैट, MAT मैट, ठीक है। ये कर्सिव राइटिंग में आपको लिखना है इस तरह से, RAT, ठीक है। इस तरह से वर्क आपको कंटिन्यू साफ राइटिंग में, भूलना नहीं है, कर्सिव राइटिंग में लिखना है, और साथ के साथ आपको रीडिंग भी करनी है। योर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज हिंदी। हिंदी में आपको फिर से डेट एंड CW मेंशन करना है, और हिंदी में आपको क्या करना है, वर्णों को तोड़कर लिखिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको तोड़कर लिखना है। तोड़कर कैसे लिखा जाएगा बता दें, यहाँ पे आ, पहले हम आ लेंगे, ठीक है। अब इससे हमें क्या अलग करना है, आ की मात्रा अलग करनी है प्लस लगा के, आ। फिर नेक्स्ट क्या बचा है हमारा, म, इसे हमने तोड़ के लिखा है। आम को हमने अलग अलग तोड़ के लिखा है, तो क्या हो गया, आम। नेक्स्ट क्या है, काम, इसे तोड़ के लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, क। फिर इससे क्या अलग करेंगे, आ की मात्रा। फिर लास्ट क्या बचा, म, काम। इस तरह से वर्क आपको कंटिन्यू करना है। योर नेक्स्ट वर्क इज सुलेख। यहाँ पर भी आपको डेट एंड CW मेंशन करना है। यहाँ पर जो मैम ने लिखा है, पायल खाना बना, तो ये आपको सुलेख करना है। इसी तरह से यही लाइन पूरे पेज पर कंटिन्यू करनी है साफ राइटिंग से। सुलेख से होगा कि आपकी राइटिंग साफ होती है। योर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स। मैथ्स में आपको डेट एंड CW मेंशन करना है, ओके। मैथ्स में आपको करना क्या है, यहाँ पर मैम ने आपको नंबर्स दिए हैं, ठीक है, जिसे आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। हेडिंग पढ़िए, WRITE राइट, THE द, NUMBERS नंबर्स, NAME नेम, राइट द नंबर्स नेम, आपको नंबर्स नेम करने हैं। जैसे यहाँ पर मैम ने 3 लिखा है, तो 3 की मैम ने स्पेलिंग लिख दिया, THRE 3। यहाँ पर मैम ने क्या लिखा है, 4, और यहाँ पर मैम ने 4 की स्पेलिंग लिखी है, FOUR 4। देखिए लिखना आपको कर्सिव में इस तरह से, THRE, ठीक है, कर्सिव राइटिंग में, साफ साफ राइटिंग में, FOUR 4, ओके। नेक्स्ट पेज पर आपको फिर से डेट एंड CW मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आपको क्या करना है, हेडिंग पढ़ते हैं फिर से, राइट व्हाट कम्स इन बिटवीन। आपको यहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहे हैं, बॉक्स से पहले नंबर्स लिखे हैं, बॉक्स के बाद भी नंबर लिखे हैं, ठीक है। और आपको इसमें करना क्या है कि जो बीच में आएगा नंबर वो फिल करना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 27, अब आप काउंटिंग पढ़ेंगे तो क्या होगा, 27, 28, नेक्स्ट क्या लिखा है, 29। अब यहाँ पर 40 लिखा है, 40, 41,
42, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, 34, तो अब आगे क्या आ जाएगा, 35, देन 36, नेक्स्ट 52 है तो क्या आ जाएगा, 53 एंड 54। नेक्स्ट क्या लिखा है, 75, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 76, 77। इस तरह से वर्क कंटिन्यू साफ राइटिंग में करना है। योर लास्ट वर्क इज एकेडमिक बेस्ड एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है आपकी, बिग एंड स्मॉल। इसमें आपको करना क्या है, कलर दी वन दैट इज बिगर एंड सर्कल दी वन दैट इज स्मॉलर इन ईच सेट। यहाँ पर टू पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा एक बड़ी है और एक छोटी है, यानी कि एक बिग है और एक स्मॉल है। उसमें करना क्या है, जो पिक्चर्स बिगर है, ठीक है, जो पिक्चर बड़ी है उसमें आपको कलर करना है, और जो स्मॉलर है, जो छोटी है, उसमें क्या करना है आपको, सर्कल करना है। फर्स्ट पिक्चर में देखिए ये बड़ी है ना, तो इसे आप कलर कर देंगे और जो छोटी है उसे सर्कल कर देंगे। सेकंड में भी आपको इसी तरह से पहले आइडेंटिफाई करना है, देखना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जो बड़ी होगी उसमें आप कलर कर देंगे और जो छोटी है उसे आप सर्कल कर देंगे, ठीक है। सुंदर सुंदर कलर करना है। इन्जॉय योर एक्टिविटी। थैंक यू, हैव अ गुड।